तो आज हम स्टार्ट करिए फास्ट जोड़ा कि एमसीक्यू रो साल थला जोड़ा फास्ट तो कत बड़ा थियोरी देख दबर देखिए एमसीक्यू जिते तो आम किडनी को देखुचु तो किडनी रे कौन होची ना गोटे राइट किडनी रोचे आ गोटे रोचे लेफ्ट किडनी एमती दुटा उपरभूत होडनी रो स्ट्रक्चर आम देखु कौन कौन रोच किडनी स्ट्रक्चर फास्ट तो ऊपर कौ लेयरटा रोचे ऊपर जो लेयरटा कहते कॉर्टेक्स तो किडनी रो थर थर कलर पचार दिखती तो किडनी रो कलर होची रेडिश ब्राउन कलर ऊपर जो कवरिंग टा देखा होची रेडिश ब्राउन तो ता पूरा सभा ऊपर जो कवरिंग टा रुए कॉर्टेक्स ता थाए सभा ऊपर तापर ता तय आसो मेडुला एगुडा सब जो देखा होची तो एगुडा सब जो देखा होची एगुडा सब होची मेडुला तो यांकर ही भीतर ही नेफ्रॉन गुडा को थाए किडनी रे आम सुनथिया नेफ्रॉन तो नेफ्रन गुड़ाक यांकर भितर था ये मेडुला भितर तो ये कौन करती आमर फिल्टर करती ब्लडटा को रेनाल आट्री जा रेनाल भेन जा तो ये आट्री कौन आसो ना आम जी सब वेस्ट गुड़ाक आसो यूरिया फिर सब थाए ब्लड तो ये सब आसपर ये फिल्टर हो तो ये पिरामिड हुए देखा ता भर अच्छी नेफ्रन गुड़ाक तो सीटी फिल्टर हुए तापर आउ गोटे जिनस अच्छे किडनी एमसी को पचारती जोटा कि हार्मोन जोड़ा कहते एरिथ्रोपोएटिन एरिथ्रोपोएटिन नाम गोटे हार्मोन सेटा कौट सिक्रेसन हुए जो रेनाल ट्यूबुल अच्छी मेडुला अच्छी मेडुला देखा मेडुला भितर थाए नेफ्रन तो नेफ्रन रो ट्यूबुल गुड़ाक थाए पीसीटी पीसीटी जो थाए तो से कौन हुए ना आमर एरिथ्रोपोएटिन नामक ये गोटे सिक्रेसन हुए तो सेटा कौन करती आमर जिते भी ब्लड सेल फॉर्मेशन हम रेड ब्लड सेल तो सेटा हेल्प कर तो गोटे थाए थ्रोम्बोपोएटिन गोटे थाए एरिथ्रोपोएटिन थ्रोम्बोपोएटिन को काम हेल्प करती पेटलेट फॉर्मेशन हेल्प करती आ गोटे रहा एरिथ्रोपोएटिन एटा को काम हेल्प करती आरबीसी फॉर्मेशन रे हेल्प करती तो जदि एटा न रहिबो ताले कौन हम ना आरबीसी शीघ्र फॉर्मेशन हो पार ना तो जिते भी आम देखिया किडनी किडनी जो पिरामिड भाया स्ट्रक्चर अच्छी ता भर थाए नेफ्रन नेफ्रन भितर जो थाए ट्यूबुल पीसीटी है तो पीसीटर जो एपिथेलियल सेल गुड़ाक था पीसीटी ताऊपर कौन थी ना एपिथेलियल सेल गुड़ाक तो से जिते भी ब्लड रे एनीमिया कंडीशन आस ब्लड सेल गुड़ाक डिस्ट्रॉय हो तो से टाइम से शीघ्र शीघ्र क्या रिलीज कराया स्टार्ट कर एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज कराया स्टार्ट कर एरिथ्रोपोएटिन कौन कर ब्लड सेल फॉर्मेशन हेल्प कर तो से जिते भी आमको एनीमिया होनीमिया मानते ब्लड सेल नष्ट ऑक्सीजन सॉर्टेज पड़ जा बॉडी रे तो से टाइम रे भी रिलीज होगा स्टार्ट कर एरिथ्रोपोएटिन तो एमती के एमसीक्यू पचारती एरिथ्रोपोएटिन कौट रिलीज होंगे आउ ट्यूबुल रिलीज हूँ ये सब आम मन रखा पड़ो तो ये जिनस जानले तापर नेक्स्ट देखिया आउ कौन एमसीक्यू आसपार यार तो यहाँ हूँ जेनराल जिन मन रखा पड़ो कॉर्टेक्स रीजन ना एरिथ्रोपोएटिन रिलीज हुए किए रिलीज करती ना आम जो फिब्रियोब्लास्ट अच्छी ये जो सेल गुड़ाक अच्छे फिब्रियोब्लास्ट ये गुड़ाक कौन था ट्यूबुल पाखे थाए कॉर्टेक्स रीजन में थाए तो ये फिब्रियोब्लास्ट गुड़ाक कौन करती ना आम एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज करती किडनी रो स्ट्रक्चर आम जानचे बायोमास कैप्सूल अच्छे यहाँ देखा सी शेप रहा भर कौन अच्छी आमर एमती सब कैपिलरी गुड़ाक जा रेनाल आट्री रेनाल आम्बेन ये सब आट्री जी ब्लड रे कौन करती ना जी सब वेस्ट मटेरियल अच्छे ये सब नहीं आसती ये फिल्टर हे तब से जीव बाहर फिल्टर ट्यूबुल जो एक्सीडेड हो तो आम जो मेडुला रिजनटा देखी थे मेडुला रिजन कौन करोची ना मेडुला रिजन ये जो देखिया एमती कौन थी ना ग्लोमेरुलस थी तापर ये ट्यूबुल गुड़ा थाए पीसीड थी डीसीड थी डुबो फैनली थी एम सब थी तो एमती यूरिनटा एक्सीडेड हुए बाहर तो आउ के इम्पोर्टा जिस अच्छे जोटा कि दरकार एमसीक्यू पाई जिते भी आम बोन मेरो को देखु चाइल्ड जब जो डेवलपमेंट हूँ तो से जो एम्ब्रियो रे कौन थाए ना आम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल तो प्रथम जो चाइल्ड डेवलपमेंट हूँ तो से टाइम हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल एम्ब्रियो रे थाए से एम्ब्रियो रे कौन करती ना आमर ब्लड सेल तैयारी करती पर प्रथम एम्ब्रियो रे थी जोटा कहते यक्स एक् है तो से कौन थी ना आमर
हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल परवर्त समय से स्प्लीन को आसो लिभर को आसो तापर धीरे धीरे आमर कौन आस बड़ापर बोन रो जोटा कि कहती रेड बोन मेरो तापर रेड बोन मेरो धीरे धीरे से पूरा बड़ ही सारापर कौन हो मिडिले जोड़ा थी से कौन आस सैड को पलिस रेड बोन मेरो आ मिडिलटा कौन हो येलो बोन मेरो तो एमती किसी तार मेकानिजम थाए स्टेम सेल गुड़ाकर स्टेम सेल गुड़ाक फास्ट तो एम्ब्रियो थी तापर धीरे धीरे चाइल्ड जो डेवलपमेंट हो तापर से लिभर को आसो है ट्रांसफर हो चलो बड़ हेलापर से हाड़े रुए बन थाए बन कौ बन थोड़ा ना स्पंजी बन थी कि छोटिया थी अवस्था मझे थी आरबीसी तैयारी करूँ कितु भर हेलापर हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल कौट थी ना ये स्पंजी बन अच्छी तो से रो तो ये कौन करती ना एमती सब सेल थाए स्पंजी बन रहे तो ये कौन करते डिविजन करके स्टार्ट करती हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल डिविजन करती डिविजन करें विभिन्न प्रकार सेल तैयारी करती तो दी प्रकार सेल तैयारी करती माइलॉइड प्रेजेंटर सेल लिम्फोइड प्रेजेंटर सेल माइलॉइड प्रेजेंटर सेल कौ काम हेल्प करती माइलॉइड प्रेजेंटर सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट ये तीन टाक ही फॉर्मेशन करती जोटा कि मेगा कैरियोसाइट ये हूँ मेगा कैरियोसाइट तो ये कौन करती ना आम फॉर्मेशन हूँ माइलॉइड प्रेजेंटर सेल तापर से गुंड गुंड हो जाती तापर से प्लेटलेट कन्वर्ट हो जाती तो यहाँ जो बड़ माइल मेगा कैरियोसाइट जो थी बड़ सेलटा थी यहाँ कौन हम ना गुंड गुंड हो गुण गुड़ केमी हम ना जो आसो से बनवा फॉर्मेशन ये आसो ना ब्लड स्ट्रीम को तो ब्लड स्ट्रीम को आसला से कौन हो गुंड गुंड हो तो सही से कौन हो प्लेटलेट कन्वर्ट हे से सबुठ छोटिया सेल हो कौटा प्लेटलेट गुड़ा तो ये बताते एमसीक्यू रे कौटा सब छोटिया सेल सब छोटिया सेल हूँ आम मेगा कैरियोसाइट जोटा कहते प्लेटलेट तो फास्ट तो बड़ थाए कि गुंड गुंड हो जाए आ गोटे जिनस अच्छे लिम्फोइड प्रेजेंटर सेल अच्छे सेकेंडटा जोटा कहते लिम्फोइड प्रेजेंटर सेल तो यूर तैयारी हुए दुटा जिनस गोटे हूँ बी सेल आ गोटे हूँ टी सेल दुटा थे बी सेल आउ टी सेल आ गए थे एनके सेल एम भी कौन करती ना आम फागोसाइटोसिस हेल्प करती मैंने मारती जोटा कहते बाहर किसी पाथोजन आसे मारदे बी सेल टी सेल भी एमती कौन थी ना बाहर किसी पाथोजन आसे मारद तो ये टी सेलटा कौन बना स्प्लीन को जीव तो सेठी से मैचुरेसन हूँ बी सेलटा कौटी मैचुरेसन हूँ नाम बनवा भितर तो एमती तार किसी मेकानिजम थाए तो ये किसी फॉर्मेशन करती एठु भी केते गुड़ा एमसीक्यू आसीपारती किए कौटा तैयारी करोटा बड़ सेल कौटा छोटिया सेल तो एमती किसी पचारती तो आ गोटे जिनस अच्छे मेगा कैरियोसाइट कौन तैयारी पार एवं जो कहली मेगा कैरियोसाइट फास्ट बड़ थी से गुंड गुंड होकर प्लेटलेट कन्वर्ट हो आउ मोनोसाइट कौन तैयारी कर डेंड्राइटिक सेल आउ मैक्रोफेज तो ये दुटा सेल कौन तैयारी हुए ना आम मोनोसाइट रु तैयारी हुए से मैचुरेसन हो सारापर ए कन्वर्ट हुए तो ये कौन करती फागोसाइटोसिस हेल्प करती जोटा कि मारे हेल्प करती तो आ गोटे जिनस अच्छे जोटा कि हेमोसाइटोसिस हेमोसाइटोसिस माने कौन जिते भी आम जिते भी आम आयरन को खाऊ कि आयरन अधिक परिमाण आम बॉडी भितर ही तो सेटा गोटे डिजर्डर अच्छी जिते भी आयरन गुड़ाक अधिक परिमाण आम टीस्यू रे जमाट बांधी तो सेटा एमती करदेव टीस्यू तो ताको कहते हेमोसाइटोसिस तो सेटा पचारती जिते भी आयरन अधिक परिमाण आम टीस्यू रे जमा होती कौन कहती मन रखा पड़ो तो आ गोटे जिन आम जानसे आनमिया रो कॉज गुड़ा कौन कौ कौ उपाय आमको आनमिया हो पार फास्ट तो ब्लड लॉस जदि आम ब्लड कौटी कटिज तो सीढ़ी रक्त हो तो सीटे हालां कौन हम आम आनमिया हो पार कि एरिथ्रोपोएटिन डेफिशिएंसी जदि एरिथ्रोपोएटिन कम परिमाण किडनी रिलीज होता कौन हम ना किडनी रेनाल जो डिजीज हो गला रेनाल डिजीज हेल्ले कौन हम ना किडनी रु कम परिमाण एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगा स्टार्ट कर तो से टाइम आमर कौन हम ना आमर आनमिया कंडीशन आसीज एरिथ्रोपोएटिन हेल्प करती आरबीज फॉर्मेशन किडनी जो डिजीज हो एरिथ्रोपोएटिन कम रिलीज हो स्टार्ट कर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन माने जोड़ा कि केते गुड़ा विटामिन अच्छी आयरन ने तो खाद्य तो आयरन थाए सी हेल्प करती आरबीज फॉर्मेशन विटामिन बी12 भी थाए खाद्य सी भी हेल्प करती
आउ फॉलिक एसिड थाए एमती केतरा विटामिन अछि जोडै खाद्य रो हम मेय परियो आ जदि खाद्य रे हम कम परिमाण रे खाइबा आयरन त एडल्ट को दरकार 8 रु 10% को बोय रे 8 दरकार को पटे 10 दरकार लिखाइ जे तो एमजी पर डे दरकार आ प्रेग्नेंट लेडी को 29 एमडी एमजी पर डे दरकार तो एमती केतरा अछि डेली रिक्वायरमेंट प्रेग्नेंट लेडी को अधिक दरकार तो डेली रिक्वायरमेंट आमको मेंटेन करिया पड़ो खाद्य जो आयरन अच्छी तो मेंटेन करिया पड़ो हिमोलाइसिस हिमोलाइसिस माने कौन आमर जो आरबीसी गुड़ाक डेस्ट्रक्शन हो रहा स्टार्ट करना के ड्रग अच्छे मेडिसिन अच्छी तो मेडिसिन गुड़ाक कौन करती ना आमर जो आयरन अच्छी डेस्ट्रक कर स्टार्ट करती एमती कतरा कज थाए जेनेटिक कज भी थाए तो ये सब कज द्वारा आमको आनिमिया हो पार जमी बोन मेरो कौन हो किसी डिजर्डर ही तो बोन मेरो किसी डिजर्डर हो गले आम कौन कर बोन मेरो जो सांपुलटा को आम काढ़िया बोन मेरो एस्पिरेंट करूँ तो आगे देखिए कमी कौन बोन मेरो कलेक्शन करूँ तार प्रोसीडियर कौन तो जदि बोन मेरो रे किसी डिफेक्ट हो गला जेनेटिक डिफेक्ट हो कि मेडिसिन द्वारा बोन मेरो किसी डिफेक्ट हो गला पछर देखिले कमी कौन फॉर्मेशन हो बोन मेरो रु आरबीसी गुड़ाक जदि से बोन मेरो किसी डिफेक्ट हो गला ताले कौन कर तो ताले ताकु से सांपुटा को काढ़ पड़ो कौड़ी ना बोन मेरो एक्सपेरिमेंट करिया पड़ो तापर बोन मेरो काम बाहर करिया तो बोन मेरो तो दी प्रकार थी ना तो फास्ट थी येलो बोन मेरो रेड बोन मेरो आम कह काढ़िया ना रेड बोन मेरो काढ़िया रेड बोन को काढ़ स्मियर करिया स्लाइड रे स्लाइड स्मियर कर देखिया तार सेल गुड़ाक ठीक अच्छे ना नहीं जदि से सेल किसी प्रोब्लेम अच्छे ताल आम तार कज जापर कौन पर आनमिया कि कौन पर तार पेटलेट कमी जा तो ये सब जिन जापर तो बोन मेरो रो सांपुलटा को केतक लाबोरेटरी कढ़ा जाए जदि जो पेसेंट रो डायग्नोसिस हो पार नहीं पेटलेट कमी जा कि तार आनमिया केस हो ब्लड सेल ठीक से फॉर्मेशन हो पार नहीं तो से टाइम कौन हम ना आम बोन मेरो काटी देख पार बोन मेरो किसी प्रॉब्लम हो ना तो एक्सपेरिमेंट कर जाए बोन मेरो एक्सपेरिमेंट तो सीटा आगे देखिए कमी कौन निडिल गोटे थाए तो पंचर करें कौन करोन मेरो को काटू तो सेमती आनमिया रो बहुत गुड़ा कज थाए सेमती आउ गोटे आनमिया अच्छी हाइपो परिपल्पिट आनमिया हाइपो प्रोफाइलेटिव आनमिया तो हाइपर पॉलीफेरेटिव एनीमिया रे कौन होची ना से बोन मेरो ऊपर कौन होची तार इफेक्ट करूची तो बोन मेरो ठीक से काम करूना तो से ठीक से कौन करूना ना आमर आरबीसी फॉर्मेशन करूना तो यहाँ गोटे बोन मेरो डिजॉर्डर जोड़ा कि हाइपो पॉलीफेरेटिव एनीमिया से पचारती कौटा कौ केस आमर एरिथ्रोपोइटिन जोड़ा अच्छी से अफेक्ट हूँ तो हाइपर पॉलीफेरेटिव एनीमिया रे कौन होची ना आमर आरबीसी तो फॉर्मेशन होना कौन पर फॉर्मेशन होना यह डायरेक्टली क्या इफेक्ट कराऊ बोन मेरो को जदि बोन मेरो को इफेक्ट कर आरबीसी ठीक से फॉर्मेशन हो पार ना तो हाइपो पॉलीफेरेटिव एनीमिया रे आरबीसी ठीक से फॉर्मेशन हो या सहित एम कौन करती आमर ये एनीमिया केस रे जोड़ा ये अच्छी एरिथ्रोपोइटिन जी आरबीसी फॉर्मेशन हेल्प करती तो ताकू भी से कौन करती ना तार एबिलिटी को कमे दिखती तो ये सब एमसीक्यू पचारती आ गोटे जिनस आनमिया आम कौ जापर कौन कौन फास्ट तो ब्लड लस ही आनमिया हो पार कि खाद्य जो न खाया ठीक से ताल आनमिया हो पार आ गोटे जिनस अच्छी बोन मेरो जो किसी अफेक्ट हो कि डिफेक्ट होगा कि ड्रग द्वारा बोन मेरो किसी डिफेक्ट हो जेनेटिक द्वारा बोन मेरो किसी अफेक्ट हो तो द्वारा भी केतटा आनमिया हुए तो सीटा बोन मेरो द्वारा भी कितना आनमिया हुए हाइपो पॉलीफेरेटिव एनीमिया रे सेटा बोन मेरो रो एनीमिया रे जाउछ एटा हला तो एटा कोनसी बोन मेरो अलगा कोनसी रे जीवो नै तो एटा बोन मेरो एनीमिया रे जाउछ एटा माने बोन मेरो डिफेक्ट द्वारा ही एटा होउछ तो हाइपो जानले हाउड था हाइपर हाइपर पॉलीफेरेटिव एनीमिया हाइपर कोन हबो ना ये भी से बोन मेरो ऊपर अफेक्ट करियो हाइपर भी इनफेक्ट करुचे हाइपो भी इनफेक्ट करुचे किंतु हाइपर जो अच्छी तो यहाँ कौन कर एरिथ्रोपोइटिन लेवलटा को इनक्रीज करदेव जहाँ फल रेड ब्लड जो सेल अच्छी से अधिक परिमाण में रिलीज होगा स्टार्ट कर तो यहाँ पचारती को एनीमिया केस आरबीसीटा अधिक परिमाण में इनक्रीज करने को स्टार्ट कर
तो दे थी ऑप्शन रे हाइपरपल्पिटेनेमिया हाइपोपल्पिटेनेमिया तो एमती कितना केस दे थो ता भितर आम बाछा पड़ो तो कौटा अधिक परिमाण रिलीज करोसी कौटा कम परिमाण रिलीज करोसी तो एटा जोड़ा हूँ हाइपो हाइपर हाइपर माने अधिक हाइपो माने कम तो हाइपो माने हूँ कम कम हेल्ले कम परिमाण रिलीज कर एरिथ्रोपोइटिन तो सेटा कम हम ना सिक्रेसन भी कम हम तो एमती किसी जिनस था आ गए कहते हिंज बॉडी माने एमती आर्बिस्टा एमती एमती बाइट बाइट सेल भाया ताला तो एमती जो यामती सेल गुड़ाक आम देखा पाइबा माइक्रोस्कोप स्टेनिंग करी तो एमती सेल गुड़ा कौ टाइम देखा जिते आम बॉडी भितर कहार डेफिशिएंसी हो स्टार्ट कर जी सिक्स पीडी तो जी सिक्स पीडी जिते डेफिशिएंसी हाँ स्टार्ट करमती बाइट सेल गुड़ाक देखा हिंज बॉडी गुड़ाक कहते हैं तो ये जो बाइट सेल गुड़ाक देखा जाए ये मैंने कौन करती ना नॉर्मल आरबीसी नुह एटा हूँ अबनॉर्मल आरबीसी जोटा कि स्प्लीन को जाए डिस्ट्रॉय हो जाए मैक्रोफेज द्वारा तो एमती किसी तार इफेक्ट थाए ये माने को टाइम तैयारी करती जो आम बॉडी रे जी सिक्स पीडी डेफिशिएंसी हो स्टार्ट कर तो जी सिक्स पीडी कौट थाए ना जिते भी आम ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस रे प्रोसेस रेटा हेल्प करती ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट जी सिक्स पीडी तो एटा हेल्प करती तो ये एंजाइम जो डेफिशिएंसी होगा तो आमको एमती बाइट सेल गुड़ाक देखा मिले स्मियर तो आ गए जिनस अच्छी जोटा इम्पोर्टाट जिनस जिते भी आम बोन मेरो कलेक्शन करमिया कंडीशन हो गले कि बोन मेरो किसी तर बोन मेरो किसी डिजर्डर होगा बोन मेरो किसी डिजर्डर है सी भी आनमिया कर तो सेमती हिमोग्लोबिन भी किसी डिजर्डर है सी आम आनमिया कर किसी कटिगले भी सी आनमिया कर किसी ड्रग जदि बाहर को आए सी भी आनमिया कर एमती बहुत प्रकार कस था आनमिया तो जदि बोन मेरो किसी डिफेक्ट होमक आनमिया हो तो सेमती जदि आनमिया हो आप्लास्टिक आनमिया जमी कहते तो सी बोन मेरो डिफेक्ट रोच बहुत प्रकार आनमिया था जमी हाइपरपल्पिट आनमिया ये भी बोन मेरो डिफेक्ट हो तो बोन मेरो को गाड़ी आम देखा पड़े स्मियर कर बोन मेरो गाड़िया केमती कौटे कौन छुंची पड़ेगा तो देखा केमती फास्ट तो कौ जगार आमको छुंची फुटा पड़ो सब जगह आम छुंची ये करें पंचर करें स्टेनम स्टेनम जोड़ा कहते आउ पोस्टेरियर आउ सुपेरियर इलियाक काड़िया गोड़े अच्छे आउ आंटेरियर सुपेरियर इलियाक काड़िया गोड़े अच्छे तो ये दिरा तो पोस्टेरियर सुपेरियर इलियाक क्रेस्ट आउ आंटेरियर सुपेरियर इलियाक क्रेस्ट तो ये दुटा अच्छी यहाँ हूँ पोस्टेरियर ये हूँ आंटेरियर तो यठ भी आम काढ़ आउ टीबिया काढ़ टीबिया आम छोटिया पिला काढ़ू जेनराली बड़ लोकर पोस्टेरियर सुपेरियर इलियाक क्रेस्ट आउ आंटेरियर सुपेरियर इलियाक क्रेस्ट रू आम काढ़ स्टनम रू काढ़ ना स्टनम से कौन रोचे आम जो रुए हार्ट रुए लंगस रुए ना तो सीटी आम डेंजर अच्छी तो सीठ कड़ा जाए ना जेनराली तो ये जो पचर कड़ा जाए पोस्टेरियर सुपेरियर इलियाक क्रेस्ट रू कड़ा जाए तो ये सब साइड थाए जोटा कि बोन मेरो को आम बाहर करिया स्मियर करिया देखिया ता भितर कौन प्रोब्लम हो छुंची कौ कौ छुंची फुटा जाए से पचारती कौ छुंची आम लगे से बायोप्सी काढ़ी पार बोन मेरो आमको रेड बोन मेरो दोकान ना तो येलो बोन मेरो दोकान ना येलो बोन मेरो कौट थी मजे थी तो रेड बोन मेरो ये जो फुटे साइड तो ताल बाहर ये जो हाड़ देखा ये जो हाड़ देखा हाड़ मझेरे फुटेले येलो बोन मेरो बाहर ताले ये साइड रे फुटे पड़ो दे रेड बोन मेरो बाहर ना बाहर तो ये दी प्रकार निडिल यूज कराए बोन मेरो एस्पिरेंट गोटे सलाह निडिल आ गए अच्छे कालमेन निडिल है तो गोटे अच्छे सलाह निडिल एस ए एल एच एन ई डी डी एल निडिल तापर कालीमेन निडिल ये दुटा निडिल थे ये मैंने कौन करती ना आम बोन मेरो एंटर कराए तापर से एक्सट्राक्ट कराए बोन मेरो जो फ्लूटा तो कमी कौन एक्सट्राक्ट कराए तो ये देखिए कमी कौन एक्सट्राक्ट करें ये सैड रे आम कौन करें जो निडिलटा को जो फुटे दिया सला निडिलटा को ये एंटर करापर तार बायोप्सीटा को काढ़ ये निडिले काढ़ पड़ो तापर ताकू स्लाइड्रे स्मियर करा पड़ो तापर ताकू देखा पड़ो तो एमती किसी तार मेकानिज्म था स्टेनिंग कर देखा पड़ो तो स्टेनिंग कराए जमी आम रोमांस की स्टेन कर तो कमन हिस्टोलॉजिकल स्टेन जोड़ा कहते तो सेटा कर
ଯଦି ବନମେର ରୋଗର ଆମେ କାଢ଼ିଦେଲେ, ରେଡ଼୍ ବନମେର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, ଯଦି ରେଡ଼୍ ବନମେର ନ ବାହାରିଲା ଆମେ କାହାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବାୟୋସିଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ମେର ଯେଉଁ ବନମେର ଯେଉଁ ବାୟୋସିଟା ଅଛି ହେଲା, ସ୍ପଞ୍ଜି ବନମେର ଯେଉଁ ବାୟୋସି ଅଛି, ବାସି ମାନେ ଯେଉଁ ଟିସୁଟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବ, ତା ପାଇଁ ସେ ନିଡ଼ିଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଲଗା ନିଡ଼ିଲ୍ ଦରକାର। ତ ତା ନିଡ଼ିଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଜାମସିଦ୍ରି ନିଡ଼ିଲ୍ କିମ୍ବା ଇସଲାମ ନିଡ଼ିଲ୍। ତ ଏମିତି କେତେଟା ନିଡ଼ିଲ୍ ଥାଏ, ତ ଜାମସିଦ୍ରି ନିଡ଼ିଲ୍, ଇସଲାମ ନିଡ଼ିଲ୍, ତ ଏଇସବୁ କେତେଟା ନିଡ଼ିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବାୟୋସିଟାକୁ ବାହାର କରିପାରିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଟିସୁଟାକୁ ଆସିବ, ତାପରେ ଟିସୁଟାକୁ ସ୍ମିଅର କରିବା, ସ୍ମିଅର କରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମର କେତେଟା ମାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼ାଯିବ, ତାପରେ ମାଉଣ୍ଟିଙ୍ଗରେ ବୁଡ଼େଇକିରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଦେଖିବା ହିଷ୍ଟୋଲୋଜିକାଲ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଟିସୁ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖେଇଛି କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ସ୍ମିଅର କରୁଛୁ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବନମେର, ରେଡ଼୍ ବନମେରକୁ ଆମେ କଢ଼ାଯିବ, ତାପରେ ତାକୁ ସ୍ମିଅର କରାଯିବ। ମିଥାନଲ ଫିକ୍ସ କରାଯାଏ, ମିଥାନଲ କରିଥାଏ, ତ ମିଥାନଲ ଫିକ୍ସ କରାଯିବ, ତାକୁ ଷ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ, ରୋମାନ୍ସକି ଷ୍ଟେନ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ତ ଷ୍ଟେନ୍ କରିକି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ତା'ର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଯଦି ଆମେ ବାୟୋପ୍ସି କାଢ଼ିବା, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ରେଡ଼୍ ବନମେର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ଟା ଆମେ କାଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାୟୋପ୍ସି କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ ତାକୁ କେଉଁଥିରେ ଆମେ ଷ୍ଟେନ୍ କରିବା, ତ ଯଦି ବାୟୋପ୍ସି କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ କେଉଁଥିରେ ଫିକ୍ସ କରିବା, ତ ବାୟୋପ୍ସି କାଢ଼ିଲେ ଫିକ୍ସ କରିବା କେଉଁଥିରେ, ଇଥରେ 10% ଫର୍ମାଲିନ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା, କିମ୍ବା ହେଲିସ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଷ୍ଟେନ୍ କରି ଫିକ୍ସ କରିବା। ଫିକ୍ସ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲିସ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ ରଖିବା ସେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟାକୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମେ ବାୟୋପ୍ସିଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ, ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ସ୍ମିଅର କରିଦେଲେ, ତାପରେ ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଅଛି ହେଲିସ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ କିମ୍ବା 10% ଫର୍ମାଲିନ୍ ହେଲା, 10% ଫର୍ମାଲିନ୍ରେ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା, ତ କିମ୍ବା ହେଲିସ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବା। ଫିକ୍ସ କରି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଛି ଷ୍ଟେନ୍ କରିକି, ହେମାଟୋକ୍ସିଲିନ୍ ଇଓସିନ୍ ଷ୍ଟେନ୍, ତ ସେଥିରେ କଟାଯିବ, ମାଇକ୍ରୋଟ୍ରମ୍ରେ କଟାଯାଏ ଯେମିତି, ତ ସେମିତି ଡିଟୋ ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଯିବ। ଟିସୁ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଫିକ୍ସେସନ୍ ଅଛି, ପାରାଫିନ୍ ୱାକ୍ସ ଅଛି, ତ ଟିସୁ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଯେମିତି ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ କରାଯାଏ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ କରାଯିବ, ତାପରେ ଆସି ଷ୍ଟେନ୍ କରି ସେଇଟାକୁ ଦେଖାଯିବ। ତ କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା କରାଯାଉଛି ଯଦି ଦେଖିବା ନା, ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚୁଜ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ଥାଏ, ତ ସେ ପୋଜିସନ୍ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ତାକୁ ଯେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ଯେମିତି ତାକୁ କିଛି ପେନ୍ ହେବନି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକରି ତା ନିଡ଼ିଲ୍ଟା ଏଣ୍ଟର କରାଯିବ, ନିଡ଼ିଲ୍ଟା ଏଣ୍ଟର କରିକିରି ତା'ର ବାୟୋପ୍ସି କଢ଼ାଯିବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ନିଡ଼ିଲ୍ଟା କଢ଼ା ହେଉଛି, ଏଣ୍ଟର କରାହେଉଛି, ତ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟର କରାଯିବ, ତାପରେ ସେ ବୋନ୍ ମେର ଅଛି ତାକୁ ଅଣାଯିବ, ତାପରେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ସ୍ମିଅର କରି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ଆମେ। ତ ଏଇଠି କରାହେଇଛି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ସ୍ମିଅର କରାହେଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ରଖି ତାକୁ ସ୍ମିଅର କରାହେଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ RBC କାଉଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ ତା ବିଷୟରେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ପଚାରନ୍ତି RBC କାଉଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ, ତା ଭିତରେ ତା'ର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା। ତ RBC କାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଥାଏ, ତାକୁ କହନ୍ତି ହେମୋସାଇଟୋକ୍ରିଟ୍ର ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଥିବ, ତ ହେମୋସାଇଟୋକ୍ରିଟ୍ର ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଥିବ, ତ ସେ ବକ୍ସରେ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ, RBC ପ୍ରିପେଡ଼୍ ଥିବ, WBC ପ୍ରିପେଡ଼୍ ଥିବ, ଚିହ୍ନିବା କେମିତି RBCର ନାଲି ଥିବ, WBCର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଥିବ, ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଚାମ୍ବର ଥିବ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ନିଭର୍ସ ଚାମ୍ବର, ୟା ଭିତରେ ଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଭର୍ ସ୍ଲିପ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍, ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଏ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ଟା ପକାଇକିରି ଆମେ ତା ଭିତରେ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଏମିତି କିଛି ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମେ କ୍ୟାପିଲାରିରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ନେଇପାରିବା, ଭେନ୍ରୁ ବି ନେଇପାରିବା, ଦୁଇଟା ନେଇପାରିବା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭେନ୍ରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ନେବା କିମ୍ବା କ୍ୟାପିଲାରିରୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ନେବା, ସେ ବ୍ଲଡ଼୍କୁ ନେଇକିରି ADTA ବାହାରିଲେ, ଆଣ୍ଟିକୋଆଗୁଲାଣ୍ଟ ବାହାରିଲେ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଭର୍ସ ଚାମ୍ବର, ଏଇଥିରେ ଆମର କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ଆମର ଗୋଟେ କଭର୍ ସ୍ଲିପ୍ ପକାଇବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟାକୁ ମିଶାଇବା, ତ RBCର ଗୋଟେ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ ଥାଏ, RBC ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍, ତା ସହିତ ବ୍ଲଡ଼୍ ମିଶାଇକିରି ଏରିଆରେ ପକାଇବା, ପକାଇକିରି ତା'ପରେ କଭର୍ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି RBC ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ରେ, ତ ସେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ RBC ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ବ୍ଲଡ଼୍ଟାକୁ ନେଇଗଲେ, ତ RBC ପିପେଡ଼୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, WBC ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ, WBC କାଉଣ୍ଟରେ WBC ପିପେଡ଼୍, RBC କରୁଛୁ RBC। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି EDTA ବାହାରିଲେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା, ତାକୁ ଆମେ ନେବା RBC ପିପେଡ଼୍ରେ, RBC ଗୋଟେ ମାର୍କିଂ ଥିବ ସେତିକି ଯାଏ ନେବା ନେଇକିରି, ତ ଏତିକି ଯାଏ ମାର୍କିଂ ଯାଏ ନେବା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମର ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ଟା ଯେଉଁଟା ଥିବ RBCର ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍, ସେଇଟାକୁ ନେବା ଆମେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି RBCର ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍ଟା, ୟାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ନେଇଯିବା, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି RBCର ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼୍, ୟାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆମେ ଭରିଦେବା।
टेस्ट ट्यूब भरिकी से ब्लड नहीं थी जो पेटर है गोटे मार्किंग जाए नवा तो से मार्किंग जाए नवा तापर डायल्यूशन तापर मार्किंग जाए नवा है तो दी जाओ एका समय नहीं जा फास्ट तो ब्लडटा नहीं जाए जाए तापर डायल्यूशनटा ये जाए नहीं जा तो डायल्यूशनटा नहीं करें कौन कर चांबर अच्छी चांबर पकईद न्यूवर्स चांबर तापर क्लब कवल स्ट्रिप देकर देखिए माइक्रोस्कोप एमती तार कैलकुलेशन करा जाए तो दीटा मेथड आम कैलकुलेशन कर आरबीसी रो फास्ट तो सी जो फ्लूटा आम नहीं तो से आम कौन कर गोटे गोटे मार्किंग जो आम नौ ब्लडटा पुणी से पुणी नौ सी भी पेड पुणी थोड़े नौते डायल्यूशन फ्लूट आउ गोटे अच्छी टेस्ट आम नहीं जा डायरेक्ट डायल्यूशन फ्लूटा तो से आम सांपोटा को आड करदर ये सांपोटा को नहीं कि देखिए आओ स्लाइड जोड़े कहते न्यूवर्स सांपर देखिए आओ तो ये आम देखा पाचे कौन हो आमर प्रिपेड जोड़ा नहीं था मिक्सचरटा जो करके पकड़ सांबर उपर पकया सांबर पकड़ापर गोटे कवर स्लिप देद कवर स्लिप देकर सीटा को नहींक्रे कौर देखिए माइक्रोस्कोप ये किसी प्रोसेस था सिंपल प्रोसेस थी तो या नहीं एमती कर माइक्रोस्कोप देखा देखिपर तो माइक्रोस्कोप एमती देखा जाए तार किसी सेक्शन थाए जो थे कि गोटे गोटे सेक्शन में डब्ल्यू सी देखा आ गए सेक्शन में मझी सेक्शन में आर बी सी देखा तो एमती किसी प्रोसेस थी तो जोड़ा कहली तार जो आम थीओरी गुड़ाक देखिया तमी कौन तक लिखा देख फास्ट तो आरबीसी डब्ल्यूसी पीपेड दुटा अच्छा तो जिते भी आम ब्लड कैलकुलेशन करलडटा टाणु बाहर आम रखिले ब्लडटा ताको आम आरबीसी पीपेड टाणिले के टाणवा मार्किंग अच्छी केते जाए टाणवा 0.5 जाए टाणवा तार मार्किंग थाए नेक्स्ट स्टेप आम कौन कले ना जो डायल्यूशन फ्लूटा ना आरबीसी डायल्यूशन फ्लूटा अच्छी तार ना अच्छे आगे कौन आरबीसी डायल्यूशन फ्लूटा के मार्किंग जाए ना 101 जाए ना तो यही सब मिक्स करापर ताक क्लब सिल्ड पकड़ देखिए तो एमती किसी थाए माइक्रोविपेड भी यूज हुए दुटा मेथड थाए माइक्रोविपेड कर खाली आरबीसी पेड कर तो आ गए अच्छे डायल्यूशन फ्लूइड को डायल्यूशन फ्लूइड आम यूज करो रिएजेंट आम देखते जोटा कि टेस्ट ट्यूब रखुले ट्यूब गोटे रखुले ट्यूब रखी तो मिसाऊ तो सेटा हूँ डायल्यूशन फ्लूइड आरबीसी डायल्यूशन फ्लूइड कौन कौन थाए गोटे डायल्यूशन फ्लूइड आम बहुत बार थो तो फास्ट हूँ हेम्स डायल्यूशन फ्लूइड हेम्स डायल्यूशन फ्लूइड ये भी गोटे डायल्यूशन फ्लूइड डायल्यूशन फ्लूइड काम कौन आरबीसी डायल्यूशन फ्लूइड ये हूँ आरबीसी को भांगिया को दब ना जी सब आरबीसी थी भांगिया को दब ना पेसेंटर ब्लड जी सब आरबीसी थी आरबीसी भांगी गले तो काउंट कर हेम्स फ्लूइड कौन थी डायल्यूशन फ्लूइड के कंपोजिशन थाए मर्क्यूरी क्लोराइड सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड युवा सब थाए तो युवा कौन करती आरबीसी को भांगे दिए ना आगे थे फॉर्मालिन साइट्रेट डायल्यूशन फ्लूइड युवा सेमती भांगे दिए ना आरबीसी को क्लबर सिल्टा भी देखते आम क्लबर सिल्टा भी दौ तार विड्थ के 20 mm विड्थ तो आम दुटा मेथड कर पार्थले गोटे आमर माइक्रो डायल्यूशन मेथड जोटा कि आरबीसी भी पेड़ नहीं करते कहते माइक्रो डायल्यूशन मेथड आउ गोटे खाली भी पेड़ नहीं करते कहते माइक्रो डायल्यूशन मेथड तो माइक्रो कौन करते फास्ट सक करते ब्लडटा को 0.5 मार्किंग जाए तापर डायल्यूशन के मार्किंग जाए 0.101 जाए तापर मार्किंग करते लोड करते न्यूवर्स सांपर लोड करते माइक्रोस्कोप काउंटिंग करते माइक्रो डायल्यूशन मेथड कौन करते फास्ट तो आसपेंट नौ 3.98 ml डायल्यूशन प्लस 0.2 ml ऑफ ब्लड सैंपल तो डायल्यूशन नवा डायल्यूशन मैंने जो फ्लूइडा डायल्यूशन फ्लूइड थाए आरबीसी डायल्यूशन फ्लूइड तो से डायल्यूशन फ्लूइड नवा के माइक्रोविपेड 3.98 ml नवा टेस्ट ट्यूब एड करिया ब्लडटा अप परिमाण नवा 0.02 ml ब्लड सैंपल नवा सर सैंपल नहीं कौटी निबर सैंपल लोड कराया देखिए एम दुटा मेथड था इजी मेथड गुड़ा तापर ताको कैलकुलेशन कर देखा पड़ो एम जिन तो ये डायल्यूशन गुड़ाक आरबीसी भी थी डब्ल्यूबीसी थी पेटलेट भी थी आरबीसी को भी कौन छू डब्ल्यूबीसी कौन छू पेटलेट भी कौन छू निवर्स सांबर जी सब सेल अच्छी
ଯେତିକି ସବୁ ସେଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଲି ଯେଉଁ ନିମ୍ବସ୍ ଚାମ୍ବର ଅଛି, ତ ସେଇଥିରେ ଯେତିକି ସବୁ ସେଲ୍ ଅଛି ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଗଣେଇପାରିବା। ଆର୍ବିସିର ହଉ, ଡବ୍ଲୁବିସିର ହଉ, ବେଟଲେଟ୍ ହଉ, କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ୍ ବି ଯେତିକି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବି ସେଇ ନିମ୍ବସ୍ ଚାମ୍ବର ବି କଣାଯାଏ, ସବୁ ସେଲ୍କୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଗଣେଇପାରିବା। ତ ଯଦି ଆର୍ବିସିର ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇପାରିବା, ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ତ ଯଦି ଆମେ ଆର୍ବିସି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ହେମ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ପ୍ରଥମେ, ହେମ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଅଛି ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍, ତ ସେସବୁ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଆର୍ବିସି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ରହିଲା, ହେମ୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିଲା, ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ସାଲାଇନ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ଫର୍ମାଲ୍ ସାଇଟ୍ରେଟ୍ ରହିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆର୍ବିସି ପାଇଁ। ଡବ୍ଲୁବିସି ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ରହିଲା, ଟଙ୍କ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଜାଣିଛେ ଆମେ, ଆଉ ଆମୋନିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ, ପେଟ୍ଲେଟ୍ ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଲ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ଆର୍ବିସି ଦେଖିବା, ହେମ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଟଙ୍କ ଫ୍ରୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ନାହିଁ, ଟଙ୍କ ଫ୍ରୁଟ୍ କାହା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଡବ୍ଲୁବିସି ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଆର୍ବିସିକୁ ହେମ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଡବ୍ଲୁବିସିକୁ ସେଇ ହେମ୍ସ ଫ୍ରୁଟ୍ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କେଉଁଥିରେ ଦେଖିପାରିବା, ଟଙ୍କ ଫ୍ରୁଟ୍। ତ ଏମିତି କେତେଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଲ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କି ଜିନିଷ ଥାଏ, କାଉଣ୍ଟିଂ କରୁଛୁ ନିବର୍ଷ ଚାମ୍ବରେ, ନିବର୍ଷ ଚାମ୍ବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ, ଯେତିକି ସବୁ ସେଲ୍ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଲ୍କୁ ବି କାଉଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାମ୍ବରଟା ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ସେଲ୍କୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ନିବର୍ଷ ଚାମ୍ବର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସବୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ, ଖାଲି ନିବର୍ଷ ଚାମ୍ବରେ ଆମ ବଡ଼ିର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବା, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ନିବର୍ଷ ଚାମ୍ବରରେ ସବୁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଲ୍ ହଉ ଯାହା ବି ସେଲ୍ ହଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯାଏ, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପକାଇ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯାଏ। ତ ଆମେ MCQ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। 54 ଯାଏ ଯାଇଥିଲା, ଦ ଫାନ୍ ଟିସେଲ୍ ମାର୍କର, ଦ ଫାନ୍ ଟିସେଲ୍ ମାର୍କର ହେଉଛି CD3, CD3କୁ ଦେଇକି ଟିସେଲ୍ ଆମେ ମାର୍କର କରୁଛୁ। 55 ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛେ, ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ DSML ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଲସ୍ ଅଫ୍ 1 mg ଅଫ୍ ଆଇରନ୍। ଯଦି କେତେ ML ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଯଦି ଆମକୁ ରିମୁଭ୍ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ନା, 1 gram ଆଇରନ୍ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଆମ ବଡ଼ି ଭିତରୁ। ତ କେତେ ML ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଯଦି ଆମେ ଲସ୍ କରିବା ଆମ ବଡ଼ି ଭିତରୁ, ତାହେଲେ ଆମ ବଡ଼ିରେ 1 mg ଆଇରନ୍ ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ କେତେ ନା 2 ML। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି। ତାପରେ 56 ଯଦି ଦେଖିବା, ତ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ରାନୁଲାର ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍, ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାନୁଲାର ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍, ତା ନାଁ କ'ଣ, ବି ସେଲ୍, ମାକ୍ରୋଫେଜ୍, NK ସେଲ୍ ଯେଉଁଟା ହୁଅନ୍ତି, ନେଚୁରାଲ୍ କିଲର୍ ସେଲ୍, ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇଟିକ୍ ସେଲ୍। ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କେଉଁଟା ନେଚୁରାଲ୍ କିଲର୍ ସେଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଥାଏ ତା'ର ଆକାରଟି, NK ସେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ WBC, ସରି ଆମର ଲିମ୍ଫଡ୍ ଭୋଜନର ସେଲ୍, ବି ସେଲ୍, ଟି ସେଲ୍ ଆଉ ଏନ୍ କେ ସେଲ୍ ଲିମ୍ଫଡ୍ ଭୋଜନର ସେଲ୍ରେ କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ। ତ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ତା'ର କିଛି ପ୍ରୋସେସ୍ ଥାଏ, ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଗୁଡ଼ା କାଲି ମୁଁ କହିଦେବି, ନହେଲେ ତା'ର କିଛି ଲମ୍ବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ତା'ର ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା ଏନ୍କେ ସେଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ବ୍ଲଡ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍କୁ ଯାଇ କେମିତି କ'ଣ ପାଥୋଜେନ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇନ୍ ଆୱାର ବଡ଼ି 70% ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ ଇ ଷ୍ଟୋର ଇନ୍। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟର ଆଇରନ୍ କେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର ହୁଏ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ, ଏଇଟା ହେବ ଆସର ଡି। ତ 57 ଡି, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ଅଧିକ ଆଇରନ୍ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆଇରନ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଇନ୍ ବୋନ୍ ମେରୋ ଲିଭର୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍। ତ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଆଇରନ୍ଟା ଲିଭର୍ ବୋନ୍ ମେରୋ ସ୍ପ୍ଲିନ୍ ଏଥିରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ହିମୋଷ୍ଟ୍ରିନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହେବ। ତାପରେ ଇନ୍ ମେଲ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆଣ୍ଡ RBC କାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ ହାୟର୍ ଦେନ୍ ଦ ଫିମେଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଆକ୍ସନ୍ ଅଫ୍। ଯଦି ଆମେ ମେଲ୍ରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆଉ RBC କାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ହାୟର୍ ରୁହେ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଫିମେଲ୍। ତ ଏ ଦୁଇଟା ହାୟର୍ ରୁହେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଆମର ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଯେଉଁ ହରମୋନ୍ ଥାଏ, ତ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ହରମୋନ୍ ଯୋଗୁଁ ମେଲ୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା, ଆମର ହାୟର୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା ଥାଏ। ତ ହେପ୍ସିଡ଼ିନ୍ ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଭର୍ ଅଛି ଆମର, ଲିଭର୍ ସେଇଟା ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ହେପ୍ସିଡ଼ିନ୍। ତ ଯେତେ ବି ଆମ ବଡ଼ିରେ ଆଇରନ୍ଟା ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେପ୍ସିଡ଼ିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୁଏ। ତ ଯଦି ହେପ୍ସିଡ଼ିନ୍କୁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଯଦି ହରମୋନ୍ଟା ଯଦି ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେପ୍ସିଡ଼ିନ୍କୁ ଇନହିବିଟ୍ କରିବ, ମାନେ ରୋକିଦେବ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି। ତ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ହରମୋନ୍ଟା
हेप्सिडिन को कौन कर दिए इनहबिट कर दिए। तो से तो जिते भी आम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल रोच तो हेप्सिडिन को कमे दौर कमेदे आयरन टा बढ़ी जाए तो यहाँ किसी मेकानिजम था हेप्सिडिन टा रिलीज हुए लिवर जिते भी आयरन लेवलटा आम ब्लड्रे अधिक हुए तो सही टाइम रिलीज हो स्टार्ट कर हेप्सिडिन तो एमती किसी मेकानिजम था। तापर क्वेश्चन दे कौन दे 16 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छे ना हिन् ह्विच एनिमिया द आमिनो एसिड वैलिन इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ग्लूटिक एसिड आर ग्लूटामिक एसिड इन ईच ऑफ द टू डिटर्जेंट। तो जो आमिनो एसिड सिक्वेंस था जिते भी आम देखिया हिमोग्लोबिन आमिनो एसिड एम सिक्वेंस थी आमिनो एसिड सिक्वेंस थी प्रोटीन सिक्वेंस थी एमती तो वैलिन टा रिमूव होते कौन हो ग्लूटामिक एसिडा से लगे तो सेमती लगे सीटा गोटे कंडीशन एब्नॉर्मल कंडीशन तो एब्नॉर्मल कंडीशन सेमती होगले कौन से म्यूटेशन हो गला सिकल सेल एनीमिया हुए जोटा कि कहते जेनेटिक डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया। तापर क्वेश्चन देखिए हाँ जदि हिमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ कैपिलरी ब्लड एज कंपेयर टू देन ये ब्लड हाउ गोटे मिनट हाँ 62 जब आम देखिए कौन देखिए हिमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ कैपिलरी ब्लड डैश देन वेनस ब्लड तो हिमोग्लोबिन कंटेंट कैपिलरी ब्लड वेनस ब्लड कौन भले सब ऑप्शन ए आपर 63 कौन देखिए ह्वाट इज द कजेस ऑफ एनीमिया एनीमिया कजेस कौन हो पार आयरन डेफिशिएंसी द्वारा हो पार ब्लड लॉस द्वारा हो पार बोन मैरो द्वारा हो पार कि बोन मैरो द्वारा हो पार ऑल ऑफ दिस 63 ऑल ऑफ दिस। तापर ह्वाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एनीमिया इन इंडिया हिमोलाइसिस द्वारा हुए प्रायत इंडिया। तापर डैश एनीमिया कजेस डिप्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन जोड़ा कहली एरिथ्रोपोइटिन कौथे कम सिक्रेशन हुए कौ टाइम हाइपो ना हाइपो 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 मैंने कम सिक्रेशन हम एरिथ्रोपोइटिन रेड ब्लड सेल कंफर्मेशन हम यहाँ कहते बोन मेरो डिजर्डर बोन मेरो जो किसी डिजर्डर होने कौन हम ना हाइपो पॉलीपरेटिव एनीमिया हाइपर हेले अधिक अधिक आरबीसी फॉर्मेशन हम अधिक एरिथ्रोपोइटिन तैयारी हम तो यहाँ कहते हाइपर। तापर देखिया हाँ ह्वाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हिमोग्लोबिन यूरिया तो यूरिन ने जदि हिमोग्लोबिन आसवाक स्टार्ट कर यूरिन ने जदि हिमोग्लोबिन आसवाक स्टार्ट कर हिमोग्लोबिन यूरिया तो कौ टाइम यूरिन हिमोग्लोबिन आसवाक स्टार्ट कर हिमोलाइटिक एनीमिया रे ना ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ने ना एक्सटेंसिव बोन्स रे ना ऑल ऑफ दिस तो हिमोलाइटिक एनीमिया रे कौन हो सी भी आरबीसी मांगू ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी सी भी आरबीसी मांगू है ये सबुत्र आरबीसी मांगू तो से आरबीसी मांगे हिमोग्लोबिन तैयार हो सगुटा यूरिन आसो एम जिन 68 कौन दे 68 हिंज बॉडी इन आरबीसी कैन बी हिंज बॉडी देखिए केमी कौन तैयार हो हिंज बॉडी कार डेफिशिएंसी तैयारी हुए ना जी सिक्स पीडी डेफिशिएंसी आउ जी सिक्स पीडी जो डेफिशिएंसी होता कौन हम ना मेलेरिया हम ना मेलेरिया तार आरबीसीटा डेस्ट्रॉय हम ना जहाँफल मेलेरिया हुए ना जी सिक्स पीडी डेफिशिएंसी क्वेश्चन देखिए 71 बीटा थैलेसीमिया मेजर इज अमाउंट ऑफ डैश हिमोग्लोबिन इज रिड्यूस जदि आम थैलेसीमिया देखिया थैलेसीमिया अच्छे दी प्रकार 71 अल्फा थैलेसीमिया आ गोटे बीटा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया कौन हो ना हिमोग्लोबिन जो बीटा चेन गुड़ाक अच्छी से कौन हो तैयारी होना जहाँफल अल्फा चेन ही कल तैयारी हो तो अल्फा चेन बीटा चेन कौ हिमोग्लोबिन अच्छी हिमोग्लोबिन ए ना बी ना एफ ना कौथे अच्छी हिमोग्लोबिन ए रे अच्छी फास्ट हाब जदि आम बीटा थैलेसीमिया देखिया तो सेटा कौथे रोच आमर हिमोग्लोबिन ए रे बीटा चेन ए रोच तो ए रे जो रोचे बीटा चेन को सी अफेक्ट करोच बीटा थैलेसीमिया बीटा जेन को अफेक्ट कले हिमोग्लोबिन डेटा धीरे धीरे कमे स्टार्ट करा पचार जब बीटा थैलेसीमिया होती है तेल कौ हिमोग्लोबिन कमे स्टार्ट कर हिमोग्लोबिन एटा। तापर देखिए 72 कौन देखिए डायल्यूशन फैक्टर ऑफ ब्लड एंड आरबीसी डायल्यूशन फ्लूइड इज डैश टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट बाय हेमोसाइटोमेट्री तो के टाइम गेटर नि 200 तो डायल्यूशन टाइम अधिक नहीं जापर 71 कौन दे हाँ कमनली यूज आरबीसी डायल्यूशन फ्लूइड इन लैबोरेटरी इज तो आरबीसी डायल्यूशन फ्लूइड सब मुझे देखे थी केत प्रकार डायल्यूशन फ्लूइड सब रोच तो आरबीसी डायल्यूशन फ्लूइड जब आम देखिया तो सीटा के कौन कौन रोच
ହେଲା ଆମିସ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼, ଗ୍ରୋର୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଏ ବି ଥାଏ, ଟୋନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼, ଏଇଟା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହେଲା। ସବୁ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଆର୍ବିସିର ମିଶାଇକରି ଆର୍ବିସିକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା 74 କ'ଣ ଦେଇଛି। ଆର୍ବିସି ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ହ୍ୟାଜ୍ ଫଲୋଇଂ ପ୍ରପର୍ଟି। ଆର୍ବିସି ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଯାଏ କହିଥିଲେ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହିମୋଲାଇସିଆଟା ବି କରାଉଛି, କ୍ଲଟିଂ ବି କରାଉଛି, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କ୍ଲଟିଂ ଇଏ ବି କରାଏ, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ମେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେ ବି କ୍ଲଡ୍ ୱାଏ ତିଆରି ହେବ, ରୋଲ୍ ଏକ୍ସପର୍ମେସନ୍ ତିଆରି କରିବ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ସବୁ କରାଇବ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼। ଫର୍ମାଲ୍ ସାଇଟ୍ରେଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଅଫ୍ ହଁ ଫର୍ମାଲ୍ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି, ଫର୍ମାଲ୍ ସାଇଟ୍ରେଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, କାହାକୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ଏଇଟା ଆର୍ବିସିର। ତ ଫର୍ମାଲ୍ ସାଇଟ୍ ଦେଖାଇଥିଲି ଆର୍ବିସିର କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଫର୍ମାଲ୍ ସାଇଟ୍ ଯାଉଛି, ହ୍ୟାମେନ୍ସ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମାର୍କର୍ ଅଫ୍ ହଁ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ମାର୍କିଂ ଅନ୍ ଦ ଆର୍ବିସି ପିପେଟ୍। ତ ଆର୍ବିସି ପିପେଟ୍ରେ ଆମେ କେତେ ମାର୍କିଂ ଯାଏ ନେବା, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଆର୍ବିସି, ଆର୍ବିସିକୁ କେତେ ମାର୍କିଂ ଯାଏ ନେବା, 0.5 ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏ ହେବ, ହୁଇଜ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ଲି ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଫ୍ରିକିଂ। ତ ଯଦି ଆମେ ହାତରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଆର୍ବିସି ପାଇଁ, ଯାହା ବି ପାଇଁ, ଯାହା ବି କାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆର୍ବିସି ଡବ୍ଲ୍ୟୁସି କାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ, କେଉଁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗର୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଲେଫ୍ଟ ରିଙ୍ଗ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ଟାକୁ। ତାପରେ ହୁଇଜ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଚାମ୍ବର୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ଫର୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍, ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍କୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଚାମ୍ବର୍ଟା ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ସବୁ ଚାମ୍ବର୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ନ୍ୟୁବର୍ ଚାମ୍ବର୍ ବି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ନ୍ୟୁବର୍ ଚାମ୍ବର୍ ବି, ଇଏ ସବୁ ସେଲ୍କୁ କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ହେବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି ରଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଯେତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।